हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यूट्रिशन हॉलिक डाइट क्लिनिक यूट्यूब चैनल। मैं न्यूट्रिशनिस्ट और सर्टिफाइड डायबिटीज एजुकेटर रितु सिंह आज आपके साथ ब्लोटिंग को लेकर कुछ बातें शेयर करना चाहूंगी। तो ब्लोटिंग आजकल बहुत लोग शिकायत करते हैं कि ब्लोटिंग बहुत फील होती है, पेट फूला फूला रहता है, फुलनेस महसूस होती है। तो हमें पहले ये समझना पड़ेगा ब्लोटिंग होती क्या है। सो ब्लोटिंग जो होती है बेसिकली फुलनेस ऑफ एब्डोमेन। अब वो गैस रिटेंशन की वजह से भी होती है, कई बार वो वाटर रिटेंशन की वजह से भी होती है। ब्लोटिंग होने के बहुत सारे कारण होते हैं, खराब जीवन शैली, बैड लाइफस्टाइल, जैसे कि हमारे खाने में डेली के रूटीन में एक्सरसाइज का ना होना, खराब खान पीन की आदतें, खाने पीने की गलत आदतें, सही समय पर नहीं खाना, खाने में ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना जो ब्लोटिंग को और बढ़ाते हैं, जैसे कि कैफीन, स्मोकिंग, एल्कोहल, इन सब चीजों का इस्तेमाल करना। सो फ्रेंड्स, ब्लोटिंग जो है एक तरीके से हमारी लाइफस्टाइल की वजह से ज्यादा जो है आजकल देखी जा रही है, अक्कर हो रही है। सो इसकी जो पहली की है इसको ठीक करने के लिए, वो एक है लाइफस्टाइल चेंज। तो हमें सबसे पहले ये चीज समझनी होगी हमें अपने लाइफस्टाइल चेंज में क्या क्या चीजें शामिल करनी है। लाइफस्टाइल चेंज में अगर हम बात करें आज के टाइम में, सबसे पहले आती है डाइट। सो डाइट कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। डाइट में हमें ये चीज का ध्यान रखना है कि हमारे लिए क्या सही है खाना, क्या गलत है। चॉइसेस हमें अपनी ध्यान से रखनी है खाने पीने में, फूड चॉइसेस वी हैव टू मेक श्योर। फूड चॉइसेस की अगर हम बात करें तो हमें मैदा या मैदा से बनी चीजें, इनका सेवन कम करना चाहिए। जितना हो सके फाइबर रिच खाना अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। मिल्क प्रोडक्ट्स जो हो गए, ज्यादा चिकनाई वाली चीजें हो गई, उनका कम इस्तेमाल करना चाहिए। कम चिकनाई वाले खाने पीने की चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें चिकनाई कम हो, जैसे दूध हो गया, दही हो गई, ये हमें सारे लो फैट इस्तेमाल करने चाहिए। जितनी भी सब्जियां हैं अगर आप डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, उसको हल्का सा स्टीम करके, बॉइल करके, ग्रिल करके तब आप इस्तेमाल कर सकते हो। जितने भी हमारे फ्रूट्स हैं उनको जूसेस की बजाय रॉ खाने की डाइट में रॉ ऐड कीजिए, रॉ खाने की हैबिट डेवलप कीजिए, क्योंकि फ्रूट्स में हमारा सबसे ज्यादा फाइबर कंटेंट होता है। सो फ्रूट्स जितना रॉ फॉर्म में खाए जाए उतना बेटर रहता है। दूसरी चीज हमें समझनी पड़ेगी, कुछ चीजें होती हैं खाने में जो ट्रिगर करती हैं ब्लोटिंग को, जैसे कि ज्यादा चाय का सेवन करना। कई लोग दिन में कई 4 से 5 कप का चाय का पीते हैं, तो कोशिश करें अपना चाय की जगह ग्रीन टी हो गया, हर्बल टी हो गया, इनका इस्तेमाल थोड़ा ज्यादा करें। कॉफी हो गया तो कॉफी और चाय, इनका थोड़ा सेवन कम रखें। थोड़ा एक चीज का और ध्यान रखना है, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी अपनी डेली रूटीन में शामिल करें। डेली 30 से 40 मिनट अपना एक्सरसाइज को दें। ये किसी भी तरीके की एक्सरसाइजेस हो सकती हैं, वॉक हो सकती है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हो सकती है, या कोई भी स्पोर्ट एक्टिविटी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, और हमें एक चीज का ध्यान रखना है, एल्कोहल स्मोकिंग जो है ये हमारे जीआई मोटिलिटी को थोड़ा खराब करते हैं, हमारे ब्लोटिंग, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, इन सबको ट्रिगर करते हैं। तो जितना हो सके इन सब चीजों से दूर रहें। अपना रूटीन जो है एक हेल्दी रूटीन शामिल करें, अपने आप को टाइम दे, अपनी हेल्थ को टाइम दे। सो फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड। नेक्स्ट सेशन वील टॉक ऑन कॉन्स्टिपेशन। इफ यू लाइक आवर चैनल डू प्लीज सब्सक्राइब अस। थैंक यू।